शहबाज शरीफ साहब ये बताने लगे, एस्टैब्लिशमेंट से हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखे हैं मैंने और मैं एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। चौधरी निसार के साथ आप बुर्का पहनकर रातों में मुलाकातें करने जाते थे, आपके बारे में खबरें आती हैं। लेकिन मुस्तफा नवाज कोकर साहब ने कहा शर्मिंदगी होती है, आप एक फ्लाईओवर बनाने पर भी आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हुकूमत आज कौमी खजाने पर अब इश्तहार दे रही है, किस चक्कर में कैसे दे सकते हैं आप जो है वो भाग लगे रहने वाले वजीर आजम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। अलग न्यूज़ मेरी दरख्वास्त पर आपने सब्सक्राइब किया है, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल, बहुत शुक्रिया आपका। अब इस वीडियो के मौजूआत पर आ जाते हैं। देखिए आज हफ्ते का दिन है, 12 अगस्त है और फिर उसके बाद इतवार, फिर उसके बाद पीर को 14 अगस्त यौम आज़ादी का दिन। ये आज का दिन भी अक्सर मकामात पर छुट्टी है, कल तो छुट्टी है, 14 अगस्त छुट्टी है, तो जो काम हुआ है उस काम की बात करनी है मुझे आपसे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले देखिए कि शहबाज शरीफ साहब ने सहाफियों से एक अलविदाई मुलाकात की है और शहबाज शरीफ साहब ने बस ये रह गया था कि वो उसमें जिस तरह किसी साहब ने गाया था एक गीत, जनरल आसिम मुनीर, मेरी जिंद मेरी जान, तो शहबाज शरीफ साहब उस तरह का कोई गाना गा लेते। शहबाज शरीफ साहब ये बताने लगे कि मैं इस्टैब्लिशमेंट से हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखे हैं मैंने और मैं इस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने महर बुखारी साहब के प्रोग्राम में बैठकर कहा था कि शर्मिंदगी होती है, आप जो काम आर्मी चीफ साहब ने करके दिए उन पर उनका शुक्रिया अदा करें और अच्छी बात है कि इदारों के ताल्लुकात बेहतरीन हों। लेकिन मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने कहा शर्मिंदगी होती है, आप एक फ्लाई ओवर बनाने पर भी आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप हर चीज़ पर जिस तरह से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सिविलियन सुप्रीमेसी, जमहूरियत की बालादस्ती, पार्लियामान की बालादस्ती और इसके साथ साथ आप बॉस हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव आप हैं, लेकिन जिस तरह का आपका हाल है तो फिर वो आपका जो मजाक उड़ाते हैं ना लोग, वो सही उड़ाते हैं मजाक के आप जो है वो भाग लगे रहने वाले वजीर आजम हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने उन जनरल बाजवा का भी शुक्रिया अदा किया जिनको पूरी पार्टी कहती है कि जनरल बाजवा ने हमारे खिलाफ साजिश की थी, उनका भी शुक्रिया अदा किया। अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो ये बता रहे हैं कि मैं 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। बिल्कुल हैं आप इसीलिए जो है वो गाड़ी की डिक्की में बैठ के उनसे मिलने जाते हैं, छुप के गाड़ी की सीटों के दरमियान लेट के जाते हैं। चौधरी निसार के साथ आप बुर्का पहनकर रातों में मुलाकातें करने जाते थे, आपके बारे में खबरें आती हैं, तो इसीलिए आती हैं कि आपने ये सब कुछ किया है और आप कहते हैं कि मेरे बारे में कहा जाता है मैं एस्टैब्लिशमेंट का बंदा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, तो आप ये कहते हैं बिल्कुल ठीक है। असल में आपको अवाम का खादिम होना है, आपको एस्टैब्लिशमेंट का बंदा नहीं होना, तो ये बड़ी आसान सी बात है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें कामयाबी का तरीका, फार्मूला ये मालूम है, इसलिए वो ये बातें कर रहे हैं। दूसरा, इस हुकूमत ने जो इलीगल काम किया आज के दिन, हुआ क्या है कि आज के दिन कौमी अखबारात में, बड़े अखबारात में फुल पेज इश्तिहार छापा है, ऊपर के हिस्से में छापा है कि इस हुकूमत ने क्या किया। मुझे ये कहते ना कि हमने 16 माह में मुल्क की किस्मत बदल के रख दी, रेस्क्यू, रिकवर, रीबिल्ड, हम इस पाथ पर ले आए पाकिस्तान को, ये हुकूमत बता रही है। और नीचे 80 अरब रुपए का पैकेज नौजवानों के लिए, ये इनका दावा है, मतलब वो चंद हजार लैपटॉप बांट के उसको भी 5 अरब का बना दिया इन्होंने और पता नहीं क्या कुछ कर डाला। और फिर ये कहते हैं कि जो टेलीविजन पे इश्तहार चल रहे हैं उसमें इसी तरह के इश्तहारात में इतना बड़ा 100 अरब डॉलर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ 100 अरब डॉलर लाने के लिए ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है इसका नाम कि ये बनाई गई है 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, लेकिन इतना बड़ा 100 अरब डॉलर वहां पे लिख दिया। तो आज के दिन जब आपने इश्तिहार दिया है तो जुमेरात को आपकी काबीना की तहलील हो चुकी है, असेंबली की तहलील हो चुकी, जुमे को आपकी काबीना मौजूद नहीं थी, आज हफ्ते को आप अखबारात में इश्तिहारात दे रहे हैं, जंग अखबार लिख रहा है मुफाद अम्मा में शाये किया गया, मतलब कोई बेशर्मी की इंतहा होती है। हुकूमत आज कौमी खजाने पर अब इश्तिहारात दे रही है, किस चक्कर में कैसे दे सकते हैं आप, और यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है, अदालतें नहीं पूछ सकती, यहाँ सहाफी ये सवाल नहीं कर सकते और इत्मीनान के साथ ये काम हो रहा है। दूसरा काम क्या हुआ कि जो बुशरा बीबी की डायरी वाली स्टोरी है, ये बुशरा बीबी की डायरी वाली स्टोरी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, इसमें देखिए आप कि ऑनलाइन एडिशन में क्या हुआ है, बल्कि प्रिंटेड एडिशन में भी पाकिस्तान के तमाम मकामात जहाँ से जंग छपता है वहाँ पर ये खबर आपको मिलेगी कि बुशरा बीबी की डायरी, यानी लीड है शहबाज शरीफ अदलिया पर बरहम, उससे ऊपर आपको नजर आ रही है बुशरा बीबी की डायरी,
जंग अखबार में लंदन में ये खबर नहीं छपी, क्योंकि वहां होता ना केस, वहां पे यहां से पकड़ लेते हैं और कहते हैं भरो जुर्माना, और कई बार वो बंद करवा देते हैं। एआरवाई पे कई जुर्माने हुए हैं, एआरवाई लंदन में बंद हो गया, वो न्यू विजन समथिंग के नाम से आता है, वहां पे जियो पे भी वहां पे जुर्माने हुए हैं, पाकिस्तान के दीगर इदारों पे भी जुर्माने हुए हैं। तो ये वहां का हाल है, तो वहां खबर नहीं छापी, यहां बुशरा बीबी की खबर आप छाप के बैठ गए, और यहां जो है वो हर चैनल पे चल रही थी, जावेद चौधरी एक चैनल पे, दूसरा चैनल पे, तीसरा चैनल, मुसलसल चल रहा था ये। तो ये हमारे यहां बड़ी आसानी से काम हो जाता है। जंग ग्रुप ने ये काम किया। दूसरा काम क्या किया जंग ग्रुप ने, ये जो टॉक शॉक चलता है ना एजाज सैयद और उमर चीमा का, इसमें उमर चीमा बता रहे हैं कि वो जो पुलिस वाले अंदर गए थे उनको, फिर उनके साथ बाद में अजीब हुआ, एक पुलिस वाले की फाइल गुम हो गई, बुशरा बीबी ने पूछने की कोशिश की आप कौन कहां से वारंट वगैरह, तो उन्होंने कहा बीबी चुप करके बैठ जाएं, वो साइड पे बैठ गई, लेकिन फिर बाद में पुलिस वालों के साथ अजीब और गरीब चीजें हुई, किसी के बच्चे के साथ ये हो गया, किसी की फाइल वगैरह गायब हो गई, ये बताया उमर चीमा ने। बंदा पूछे इद्दत की खबर आपने दी, आपके साथ कुछ हुआ? इमरान खान ने पता नहीं खातून के साथ क्या कर डाला, उमर चीमा की खबर थी, आपके साथ कुछ हुआ? फिर उसके बाद जो पुलिस वाले आए थे उनके साथ हो गया? अच्छा, जो इमरान खान को जेल में लेके बैठे उनके साथ कुछ नहीं हुआ, जो अदालत इमरान खान के हक में फैसला नहीं दे रही उनके साथ कुछ नहीं हुआ, जज दिलावर लंदन चला गया जज दिलावर के साथ कुछ नहीं हुआ। तो मतलब ये एक अजीब जादू है जो इन खबरों वालों को पता चल जाता है कि हड्डियां भी मिल गई। अब्दुल कयूम सदीकी साहब ने बताया कि बुशरा बीबी ने रिश्वत देने की कोशिश की, अलग कहानी। उसके बाद आप देखिए जावेद चौधरी ने क्रैंक कर दिया, अलग कहानी। फिर उसके बाद इमरान शफकत ने कहा कि वहां से डब्बे मिले, जादू का सामान मिला, हड्डियां, राख, सुइयां, पुतले, अलग कहानी। फिर उसके बाद उमर चीमा लेकर आ गए कि पुलिस वालों को पता नहीं क्या हो गया, अलग कहानी। और इन तमाम कहानियों में एक और चीज देखिए आप, कि असद खरल साहब वो ये बता चुके हैं कि हाथापाई हो गई थी इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान, इनके ताल्लुकात भी खराब है। तो हमारे सहाफी अलग अलग चीजें लेकर आते हैं, इनमें से एक कहानी भी आपस में मैच नहीं कर रही। और अभी कुछ दिनों में अंदर जो कम अज कम बेडरूम में गए थे इमरान खान सबको लाने के लिए बाहर, वो भी अगर 10-12 थे तो अभी 5-6 कहानियां और बाकी हैं, वो भी आएंगी अभी। तो मैंने आपसे कहा था ये सिलसिला अभी जारी रहेगा, इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। जावेद चौधरी साहब तो अभी इसको और आगे बढ़ाएंगे, अभी आप देखिएगा। तो एक तो ये हुआ है, ये इत्मीनान के साथ उमर चीमा साहब अगेन जंग ग्रुप, उन्होंने ये कमाल दिखाया। दूसरा इमरान खान के केस में क्या हुआ, इमरान खान साहब के केस में उनकी अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली का मामला था। तो अब ये मामला जो है वो हमें लटकता हुआ इसलिए नजर आ रहा है कि आमिर फारूक साहब ने क्या बताया था हमें, जल्द तारीख इसकी दे दी जाएगी। और साथ में उन्होंने दूसरी बात ये की कि नहीं नहीं, जरदारी साहब के केस में तय कर दिया गया है जब एक जगह से हो जाए फैसला, बंदा गिरफ्तार हो तो फिर मजीद गिरफ्तारियां, जमानतें, मनसूखी सब नहीं होता। इमरान खान की यहां से सजा मुअत्तल हो सकती है ना, तो एक तो यहां तारीख नहीं दे रहे, उन्होंने ये कहा है आगे कि जल्द फिक्स कर दिया जाए, जल्द फिक्स कर दिया कि कोई डेफिनेशन ही नहीं है। इमरान खान का केस सुन रहे थे तो घंटों में सुन रहे थे, और जब फिक्स करने की बारी है तो जल्द फिक्स कर दिया जाए, ये दफ्तर पे डाल दिया गया है। फिर साथ में इमरान खान की मुलाकातों का मामला था, तो जो इमरान खान की मुलाकातों का मामला है, जज साहब ने उसमें क्या इंसाफ किया है, उसको जेल सुपरिटेंडेंट के रहमोगरम पर छोड़ दिया है कि एक या एक से जायद दिन इमरान खान साहब की फैमिली से और उनके वकला से मुलाकातें करवा दी जाएं, ये जज साहब का हुक्म है। ये वही जज साहब हैं जो एक रोज पहले ये बता रहे थे कि एक हाई प्रोफाइल कैदी, नवाज शरीफ का नाम भी नहीं लिया जा रहा था, एक हाई प्रोफाइल कैदी को तो घर से खाना मंगवाने की इजाजत थी, इमरान खान साहब को ये इजाजत होनी चाहिए और जेल रूल्स, जेल मैनुअल ले आए। अब जेल रूल्स, जेल मैनुअल आएगा, अदालत में हुक्काम इस पर अपना जवाब देंगे, सरकारी वकील इस पर जरा करेगा, और अब सरकारी वकील भी बदलेगा। क्यों? क्योंकि हुकूमत चली गई है, तो निगरा हुकूमत का लॉ ऑफिसर या वकील ये कहेगा कि मैं आप किससे हिदायत लेके बताऊं आपको, अभी तो हुकूमत नहीं है जज साहब, मैं किससे पूछ के बताऊं, अभी तो राणा सनाउल्ला वजीर दाखिला नहीं है तो मैं किससे पूछ के बताऊंगा, अभी ये मामला लटकेगा। तो पहला केस जिसमें फौरी जमानत मुमकिन थी माहिरीन कानून के मुताबिक, वही लटकेगा। और दूसरा क्या हुआ, जज साहब ने कहा था नहीं होती मजीद जमानतें मनसूख और गिरफ्तारियां, तमाम जगहों पर जमानतें मनसूख हो रही, नैब के केसेस में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में, दीगर जगहों पर। और जज साहब क्या कह रहे, अदम पैरवी पर, मुलजिम की अदम हाजिरी पर, मुलजिम जेल में बुलवा लें उसको, अब उसकी अदम हाजिरी पर जो है वो जमानतें भी मनसूख हो रही हैं। तो ये इमरान खान साहब के साथ इंसाफ हो रहा है और ये इंसाफ अभी चलेगा। ये जो लोग बताते थे ना, नहीं 180 केसेस क्या होते हैं, 180 केसेस में
वो केसेस जो अहमियत रखते हैं वो तो 4 से 5 हैं। अभी इमरान खान साहब की जिनमें जमानतें मंसूख हो चुकी वही 10 के करीब हैं, और ये सिलसिला भी आगे बढ़ेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।